मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब भी राष्ट्र के गौरव की बात आएगी कांग्रेस उसमें मीन मेख निकालेगी। इस दौरान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर भी निशाना साधा। मध्य प्रदेश में हर दिन डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। डेंगू पीड़ित मरीजों की रफ्तार हर दिन बढ़ती जा रही है। डेंगू के कारण भोपाल में भी एक नर्स की मौत हो चुकी है। सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, डेंगू का प्रकोप को देखते हुए सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों को एहतियात बरतने और समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। डेंगू के मरीज पिछले दिनों में आए और मध्य प्रदेश की सरकार ने सभी जिलों में एहतियात बरतने के लिए सभी जगह पर अस्पतालों में चिकित्सा की, दवाइयों की, उपकरणों की व्यवस्था के लिए ताकीद कर दी गई है और लार्वा नष्ट करने की कार्रवाई के लिए नगर निगमों को अलर्ट किया जा रहा है। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में स्थानीय लोगों की भागीदारी ना के बराबर है। कांग्रेसी बाहर के लोगों को बुलाकर यात्रा को बड़ी करते हैं। हमारी पार्टी चुनाव को ध्यान में रखकर कोई कार्य नहीं करती, बल्कि हमारी पार्टी सिर्फ विकास को दृष्टिगत रखते हैं, कार्य करते हैं। जब भी राष्ट्र के गौरव की बात आएगी कांग्रेस उसमें मीन मेख निकालेगी। बाहर के प्रदेशों से ही लाला के अपनी यात्रा को बड़ी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की भागीदारी ना के बराबर हो रही है। पूरे देश के अंदर पूरे देश से इकट्ठे करते हैं और बुला बुला के अपनी यात्रा को सफल बना के दूसरों को संदेश देना चाहते हैं। जब भी राष्ट्र के गौरव का विषय आएगा, जब भी राष्ट्र के सम्मान का विषय आया हुआ आप इतिहास देख लो, तब कांग्रेस ने कोई मीन मेख निकाला। जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था तो तारीख पर सवाल उठा दिया था दिग्विजय सिंह। उन्होंने कहा, केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व में हमारा देश नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है और मध्य प्रदेश भी उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व का मध्य प्रदेश को लगातार सौगातों की झड़ी लगाने के लिए आभार। प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी लगातार मध्य प्रदेश को सौगात दे रहे हैं। बड़े दिन के साथ साथ ऐतिहासिक दिन भी है और निश्चित रूप से हम कितना आभार व्यक्त करें अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, जो लगातार मध्य प्रदेश में सौगातों की झड़ी लगाए हुए। हम देखें 6 महीने में ये 6वीं सौगात है। जब गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री जी आए थे और बड़ी सौगातें उन्होंने जनजाति वर्ग के आदिवासी भाइयों, अभी पिछले ही दिनों आज माननीय अमित शाह जी हिंदी के मेडिकल कॉलेज की सौगात देकर ये संकेत भी देना चाहते हैं कि अब इंग्लिश को अलविदा कहने का समय आ गया है और अपनी मातृभाषा में आगे बढ़ने का समय अब देश का प्रारंभ करने के लिए आ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।